Hello, my dear students. Welcome in my YouTube channel. So today, in this video lecture, I will tell you about growth hormones. In my last video, I discussed about pituitary gland, and I told you that there are two parts or three lobes of pituitary: anterior, intermediate, and posterior. So we have discussed a hormone that was releasing from growth anterior pituitary lobe, which was calling as growth hormone. We are calling as growth hormone, and it is releasing from anterior lobe of pituitary. So we are going to discuss about this growth hormone in detail today in this lecture, anterior lobe of pituitary. Okay, so we are going to discuss first about the role of growth hormone. What is the role? So first thing I want to tell you that as the name suggests, it is a growth hormone. It will help in normal growth of the body. It is essential for the normal growth of the body. And next point I want to tell you, students, it stimulates the body growth by stimulating cell mitosis. Cell ki jo mitosis hai, usko badhata hai. Aur students, aapko pata hai ki mitosis ek type ka cell division hai. Cell ki mitosis ko badhayega, tabhi growth hogi. एंड प्रोटीन सिंथेसिस स्पेशली इन द न्यू टिश्यूज. और आपको पता है कि हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी, तो प्रोटीन की सिंथेसिस को भी बढ़ाएगा, स्टिमुलेट करेगा. सेल माइटोसिस को बढ़ाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाएगा. दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि ये स्टिमुलेट करता है रिटेंशन ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम इन द बॉडी. कैल्शियम और जो प्रोटीन्स है, ये हमारी बॉडी में जब रिटेन रहेगा तभी हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी. तो ये इसको क्या करता है, रिटेंशन करता है, इनका कैल्शियम और प्रोटीन का रिटेंशन. नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बहुत ही नेसेसरी है ग्रोथ और इलॉन्गेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स के लिए. स्टिमुलस एंड इट हैज बीन साइमल्टेनियस ग्रोथ ऑफ वेरियस मसल्स एंड विसेरल ऑर्गन्स. सो ये ओवरऑल कहने का मतलब जीस्ट ये है कि ये हमारा नॉर्मल ग्रोथ और बॉडी की और सेल माइटोसिस और प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाए. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इससे होने वाले कुछ डिसऑर्डर्स के हम बात करते हैं. यहाँ पे द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ग्रोथ. तो ग्रोथ हार्मोन से होने वाले डिसऑर्डर्स हमारे पास कुछ इस तरीके के हैं. स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि डिसऑर्डर्स में पहला डिसऑर्डर डॉर्फिस. यहाँ पे जो पर्टिकुलर पर्सन, उसकी हाइट बहुत कम रह जाएगी अंडर सिक्रीशन होगा ग्रोथ हार्मोन का. सेकेंड इज गिगांटिस, यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन होने लगेगा गिगांटिस. दिस इज द हाइपो सिक्रीशन कंडीशन. किसका हाइपो सिक्रीशन होगा स्टूडेंट्स, ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन ऑफ जीएच. और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है जीएच का स्टूडेंट्स. और डॉर्फिस में क्या होगा, जब हाइपो को आप अंडर सिक्रीशन भी बोल सकते हैं. अंडर मीन्स यहाँ पे कम सिक्रीट हो रहा है, तो जो नॉर्मल हाइट होनी चाहिए उस पर्सन की, उससे कम ही हाइट रहेगी फ्रॉम चाइल्डहुड. इट विल रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी. एंड दीज चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो इन हाइट एंड रिमेन शॉर्ट एंड दे आर कॉल्ड एज डॉग. दूसरा पॉइंट गिगांटिज्म, जो दूसरा डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का. ओवर सिक्रीशन कह सकते हैं लोग यहाँ पे, हाइपर मीन्स ओवर कह सकते हैं. और यहाँ पे क्या होगा, चाइल्डहुड से एबनॉर्मल ग्रोथ होगी बॉडी की, लीडिंग टू गिगांटिस. एंड द पीपल विल ग्रो वेरी टॉल एंड अपीयर जायंट लाइक, एंड देयर आर पीपल दैट नेवर मोर देन 7 फीट और 8. दैट इज द कंडीशन ऑफ गिगांटिस. और लास्ट एक डिसऑर्डर स्टूडेंट्स यहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगैली. कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है. तो एक्रोमेगैली में स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन होगा ग्रोथ हार्मोन का आफ्टर एडोलेसेंस. हाइपर सिक्रीशन गिगांटिस में भी होता है, लेकिन वो चाइल्डहुड से ही होने लगेगा. यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन आफ्टर एडोलेसेंस स्टेज, एडोलेसेंस. और इसकी वजह से एनलार्जमेंट हो जाएगा कुछ पार्ट, जैसे हैंड्स हैं, फीट हैं, जॉज हैं, एंड गिव्स अ मैन गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस. एक्रोमेगैली का जो फिनोटाइपिक अपीयरेंस होगा वो गोरिल्ला लाइक हो जाएगा अपीयरेंस. एंड द हार्मोन डज नॉट अल्टर द लेंथ ऑफ बोन, ये हार्मोन जो है बोन की लेंथ को अल्टर नहीं करेगा. एंड इसकी वजह से विड्थ में काफी ग्रोथ आएगी और एक्सप्रेशन भी काफी चेंज हो जाएगा, बॉडी का शेप भी चेंज हो जाएगा.
ये कुछ डिसऑर्डर्स थे स्टूडेंट्स, आप इसको चाहें तो हाईलाइट कर लें, डॉर्फिज्म, गिगांटिज्म, एक्रोमेगाली। गिगांटिज्म और एक्रोमेगाली जो है लगभग मिलते जुलते हैं स्टूडेंट्स, बस हमें यहाँ पे एक पॉइंट समझना होगा कि यहाँ पे दोनों में ही हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, बस यहाँ पे एडोलेसेंस वाली एज है और ये चाइल्डहुड से ही कंटिन्यू रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ हार्मोन एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। सो आई होप स्टूडेंट दिस वीडियो विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज स्कोरिंग गुड मार्क्स। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज पॉसिबल। स्टूडेंट्स हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।